खबर शामिल करते हैं टंडोल एआर से, जहां यूनियन काउंसिल हाक सिंघार के गांव फतेह चौहान के सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम मासूम बच्चे स्कूल बिल्डिंग खस्ता हाल होने के सबब ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 21वीं सदी के जदीद दौर में भी जहां तरीन तरक्की कर रही है, वहां ज़िला टंडोलियार में स्कूल बिल्डिंग टूट फूट का शिकार होने के बायस बच्चे दरख्त के नीचे बैठ कर तालीम हासिल करने लगे हैं। महकमा तालीम और ज़िला इंतज़ामिया की तवज्जो ना होने के सबब स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल की बाउंड्री वाल भी मुनहदम, कमरों की छतों से प्लस्तर गिरना रोज़ का मामूल बन चुका है। गांव फतेह चौहान में 1962 में कायम होने वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर में कमी के बायस मासूम बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने लगे हैं। स्कूल में चौकीदारी ना होने के सबब सब चोरी हो जाता है, जबकि बच्चे तालीम के हसूल के लिए सख्त परेशान दिखाई देते हैं। फतेह चौहान का सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीनों और मौजूद शख्सियत फाहद चांडियो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई बार हमने DC टंडोलियार और DEO टंडोलियार और मुतल्लिका अदारों को तहरीरी दरख्वास्तें दी, लेकिन ताहाल इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका है, जबकि तालीम के लिए पूरा फंड ज़िला काउंसिल और महकमे तालीम टंडोलियार को फराम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद तालीमी मेयार को बेहतर नहीं किया जा सका। चौहान के प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में खड़े हैं। यहाँ पर इस स्कूल का बुनियाद जो है 1962 में पड़ा, 1962 से लेकर आज तक तालीमी जो अमल है यहाँ पर जारी है, लेकिन अफसोस की सूरत हाल ये कि आज इस स्कूल में जहाँ 172 बच्चे तालीम लेते हैं और उसमें हमारी बच्चियाँ और बच्चे जो है वो ज़मीन पर बैठकर पढ़ती हैं, पटेवाला स्कूल में नहीं है, चौकीदार नहीं है, जिसकी वजह से जहाँ पर जो है दो मरतबा जो है वो रूटर चोरी हो चुके हैं, खिड़कियाँ चोरी हो गई हैं, दरवाजे चोरी हो गए हैं, अरबों रुपए का फंड आया है, लेकिन गोड फतेह चौहान में डेस्क नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज एक जो यहां पर आया है मास्टर, उसके लिए हम एक उधारी पड़ोस से कुर्सी लेकर आए हैं, जिस पर हमने आपको आकर उसको बिठाया है। तो हम गुजारिश करते हैं, ये जो फंड आया है अरबों रुपए का और ये जो डेस्क हैं, जो फर्नीचर आए हैं, मेहरबानी करके टंडोलियार ज़िले का ये फतेह चौहान है, ये भी इसी का हिस्सा है, और इसमें हम जो दरख्वास्तें दिए हैं वक्तन पर वक्तन हम मुतल करते रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मेहरबानी करके इनको फर्नीचर दें, हमारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर ज़मीन पर बैठ कर जो तालीम हासिल करी है, तो मेहरबानी करके ये जो है अहम इशू है, इस पर एक्शन लिया जाए, नोटिस लिया जाए और इनका तदारुक किया जाए। जानी चौहान है मेरे दोस्ताद हैं, मेरा ये स्कूल, इसमें 173 बच्चे हैं, लेकिन उसमें फर्नीचर भी नहीं है, दो कमरे हैं, दो कमरे की भी ज़रूरत है, पटे वाले की भी ज़रूरत है, चौकीदारी के इधर चोरी होती है, दो मरतबा हमारी चोरी हुई भी है इधर स्कूल की, और फर्नीचर भी नहीं है, और इसके अलावा एक दो उस्ताद की भी ज़रूरत है। 173 हमारे बच्चे हैं, हम नहीं पहुँच सकते इस पर, फर्नीचर भी कम है, ये हमारा हाल है। ये सही फतेह चौहान गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फतेह चौहान 1962 में ये हुआ था स्कूल। सर मेरा नाम मोहम्मद सलमान सुमरो, यहाँ पे मैं PhD टीचर हूँ, अभी 5 महीने अपॉइंट हूँ। हमारे स्कूल में तकरीबन 172 या कुछ प्लस, यानी कि तकरीबन 200 के करीब बच्चे हो गए हैं, आस्ता आस्ता और भी बढ़ते जा रहे हैं, और फर्नीचर की बहुत ज़्यादा कमी है, सिर्फ दो क्लासेस हैं और दो क्लास में फर्नीचर ना होने के बराबर, आधे से ज़्यादा बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी तालीम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, ज़्यादा दुश्वारी आती है। हम एक क्लास की अगर मैनेज करते हैं तो दूसरी क्लास की डिस्टर्बेंस होती है, पढ़ाई एक को सबक दे तो दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, एक को अगर थोड़ा ज़ोर से कोई सबक पढ़ा लें तो दूसरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती है, उस चक्कर में मैनेज नहीं हो पाती क्लास। जब बच्चे आधे ज़मीन पर होते हैं पता ही नहीं चलता कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है, दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, जगह ही नहीं है, ना जगह ना फर्नीचर, इस वजह से फर्नीचर की बहुत ज़्यादा कमी है। सरकारी स्कूलों की इमारतें बरसों से खंडरात में तब्दील हो रही हैं। टंडोलियार ज़िले के तमाम मुतल्लिका अवकाम को दरख्वास्तें दी हैं कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गांव फतेह चौहान की मलकियत लेकर स्कूल की खस्ता हाल इमारत को दोबारा तामीर किया जाए और स्कूल में फर्नीचर समेत दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएँ, ताकि तलबा को परेशानियों से बचाया जा सके।